एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से बात करते हैं गौरव यात्रा की, क्योंकि गौरव यात्रा के दौरान फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में सीएम राजे ने कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को प्रदेश का विकास पच नहीं रहा है और इसलिए चुनाव से 3 महीने पहले अचानक जनता के बीच पहुंच रहे हैं। मैडम, भामाशाह योजना जिसको लेकर आप लगातार अपने बयानों में कहते रहे हैं, उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बयान देते हैं कि भामाशाह योजना में भ्रष्टाचार था, उनकी सरकारी ले आती आंध्र सरकार पैटर्न का भी अध्ययन उन्होंने करवाया, इस तरीके की बात की। देखिए, हम जो भी कर रहे हैं हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर कर रहे हैं। इसको झुठलाना है तो वो भी अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आए हैं और उसको जनता के सामने, हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के सामने उसको झुठलाने की बात करें। और फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको महिलाओं से क्या इतराज है, तो क्या प्रॉब्लम हो गई है महिलाओं को? अगर हमने मुखिया बनाया है और अगर बैंक अकाउंट के अंदर उनका डायरेक्ट पैसा जा रहा है और अगर उसके मोबाइल के ऊपर खबर आ जाती है कि इतने तारीख में इतने पैसे तुम्हारे बैंक में आ गए, अगर वॉश मशीन के ऊपर उंगली लगाने के बाद उसके मोबाइल पर आ जाता है कि आपने 3 किलो या 5 किलो गेहूँ ले लिए हैं, इतने किलो बाकी बचते हैं, अगर उसका पेंशन हर महीने 7 तारीख को पहुंच जाता है बैंक अकाउंट में और वहां से खबर आ जाता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया है। उनके ज़माने में तो 7-7, 8-8 महीने पेंशन नहीं मिलता था और इन लोगों को जाना पड़ता था, इसी तरीके से काला बाजारी होती थी गेहूं के साथ। ये सब चीज़ें तो सबके सामने हैं, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं तो हमेशा कहती हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स से बैठे और उसको सबके सामने लाने की कोशिश करें। एक और बात है मैम, यहाँ पर अमित शाह साहब के भी दौरे चल रहे हैं, आपके भी लगातार दौरे चल रहे हैं, आपकी जनसभाएं हैं, यात्रा चल रही है। उन्होंने कहा है कि आप दोनों झूठ का सहारा लेते हैं, झूठा बताया आपको कांग्रेस ने। जब भी कोई ऐसा कहता है ना कि कोई झूठ बोल रहा है तो उसको उस चीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत है। आखिर मैं आपको कह रही हूँ आपने ये बात कह दी वो तो झूठ है, आप मेरे को वो स्टेटमेंट दिखा दोगे जिसमें उसने ये कहा है, मालूम पड़ जाएगी कि एक्चुअली में कहा है उसने, कहे ना। सचिन पायलट कहते हैं कि अगर समाज मेरा साथ देगा तो मैं अकेले ही कबड्डी का मैच, उनके बारे में बात करने से कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा एक और ख़ास बात मैं यहाँ पर यही करूँगा कि आपकी बहू का बर्थडे आया, बेटे का बर्थडे आया, लेकिन आप लगातार यात्राओं में रही, क्या परिवार की के साथ बिल्कुल भी एक तरह से दूरी बन गई है आपकी राजनीति? अपने राजमाता साहब की जब राजनीति होती थी हमारा कंप्लेंट यही था, आज हमारे बच्चों का कंप्लेंट मेरे से यही है। हमने प्रॉमिस किया है जनता को, हमको अपना परिवार माना है तो ये एक्सटेंडेड परिवार है और इस एक्सटेंडेड परिवार में जब हमने यात्रा निकालने का काम किया है तो मैंने बच्चों से भी छुट्टी ली है और मैंने उनसे अंडरस्टैंडिंग मांगी है, वो पूरी तरह से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक और आखिरी सवाल, हाड़ौती में आपका क्षेत्र माना जाता है, आपका गढ़ माना जाता है इस पूरे इलाके को, यहाँ जो आपको रिस्पांस मिला, आपकी यात्राएं स्वागत एक या दो जगह होते थे लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए, कल भी 2 जगह स्वागत होने थे लेकिन कोई 50 जगह स्वागत हो गए। अब अपना घर है, लोग जानते हैं, तो अगर 4 भी आदमी होंगे, अच्छी भीड़ भी होगी, सब अपने ही हैं, रुकना तो होगा ही। एक और आखिरी सवाल मैडम, ओवरऑल अगर देखते हैं इस यात्रा को, यात्रा के बाद आपको लगता है कि कांग्रेस के नेता आपकी यात्रा पर लगातार वार कर रहे हैं, उन्होंने कोर्ट में भी लेकर गए आपकी यात्रा के इशू को लेकर, तो क्या लगता है आपको कांग्रेस नेता अमूमन रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या फिर बयानों के जरिए? ये 5 साल तक कहाँ गए थे मुझे नहीं मालूम, मैं विधानसभा में रही हूँ और अभी ये 5 साल नहीं, इसके पहले वाले भी, ये मिस्टर अशोक गहलोत तो मेरे को कभी दिखे नहीं, कभी विधानसभा में आते ही नहीं थे, जनता की इतनी चिंता थी तो विधानसभा राइट जगह है जहाँ अपनी शंकाओं को, अपनी बातों को फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्रेजेंट करें और अपनी बात को पुरजोर तरीके से वहाँ करें, वहाँ तो एक दफ़ा भी मुंह खोलने का काम ही नहीं है, जनता की क्या प्रॉब्लम है एक दफ़ा भी उसकी मेंशन करने का काम नहीं है, ना तब ना अब। और 3 महीने पहले चुनाव के हम भी कहाँ से निकल के आ गए हैं, उनको एकदम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, 4.5 साल वेस्ट क्यों किया, इस 4.5 साल में ही बाहर निकल के ये बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर लेते।
आप कभी भी गहलोत साहब का नाम बहुत कम लेते हैं, कभी कभी लेते हैं प्रत्युत्तर में, जबकि आपको लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, बयान कांग्रेस के नेता देते आए हैं, लेकिन आप अपने भाषणों में कांग्रेस का कम विकास की ज़्यादा बात करते हैं, कारण क्यों किया, जबकि पब्लिक जो बहुत ही सिंपल है जी, बात सिंपल ये है, उनके पास किसी चीज़ के बारे में बोलने का है नहीं तो वो मेरा नाम लेते हैं और उसके पीछे छिपते हैं। मेरे पास काम ही काम है तो मेरे पास टाइम नहीं है इनका नाम लेने के लिए। जनता के सामने जनता हिसाब मांगती है, जनता को पानी, बिजली, रोड्स, उद्योग, ITIs, स्कूल्स, कॉलेजेस, इन सब चीज़ों के बारे में बात करना, एक किस्म से उनके बीच में डायलॉग रखना, इसमें कहाँ टाइम है उनके नाम को याद करना। तो खास बातचीत की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र और जीतेश के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, केशव राजपाटन।